मेरी तरफ से अपने महल वालों को सलाम कहना। गुलाम बास नंबरदार की जो जगह रिहायश वाली थी ना, वो मेरे पास है जी। मनु सरदारा के पास से 2 लाख रुपये की मोल ली थी। है नंबरदार जी, आपने देखा तो मेरा भी दिल, नंबरदार जी दिल मेरा भी बहुत खुश होया। लेकिन वो पिछली बात तो वो पिछली बातें याद कर कर रोना भी आवा। बिल्कुल मेरा बाबा उस दिन बड़ा रोया था। हाँ क्योंकि हम सब कुछ छोड़े हैं हिंदुस्तान अपना। हाँ ये बात करना चाह रहे हैं आपसे। आप जी हाँ जी जी फरमाए फरमाओ जी बोलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सलाम बाबा जी, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक है बेटा। आपके परिवार का क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी। हाँ जी सब ठीक है। ये आपका परिवार तो यही है ना, फैजबा मास्टर वाला? जी जी मैं उनकी पड़पोती हूँ। पड़पोती है? अच्छा जी। तो जी जी अताउल्लाह की पोती। ये लो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ठीक ठाक हैं जी? हाँ जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैं बात कर रहा हूँ घसीटू नंबरदार का पड़पोता। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा घसीटू नंबरदार था जी। जी बिल्कुल घसीटू नंबरदार का जो बेटा था ना, यामी नंबरदार। आओ जी। ये उनका पोता है, पड़पोता है। अच्छा पोता। पोता जी, घसीटू नंबरदार के पोते हैं आप? ये जहां मीरा जी की पड़पोता है। पड़पोता ये घसीटू नंबरदार, नंबरदार जो था ना घसीटू नंबरदार, आपकी जमीन मीरा जी के साथ जो डेरे के साथ मिला थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा रे इसके मकान। हाँ जी मेरे दादाजी भी यही बताओ कि मीरा जी का जो लंगर चले कर था ना, वहाँ हमारी जमीन पड़ी थी। हाँ जमीन आपकी उनके साथ मिला थी डेरे के साथ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा रे इसके मकान, रैस के मकान गाँव जो थे ना, वो तब तब्दील हो गए, गिर गुर गए थे, दोबारा बना लिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो और आपके पास यहाँ मोहल्ले में कौन कौन है जी? हकीम इस्लामाबाद। यहाँ आपके नहीं, आपको अलाटमेंट तो शहर सुल्तान है ना जमीन? मेरा सारा खानदान वहीं रह रहा है, मैं बल्कि यहाँ मेरे नन्ने रहा है इस्लामाबाद में ना। अच्छा अच्छा। नन्ने के घर चला जाऊंगा शहर सुल्तान। तो केशव भाई की कॉल आई थी कि मैं आज आपकी बात करवाऊंगा। मैंने जो वीडियो थी ना आपकी, जो केशव भाई ले गए थे बड़ा का। अच्छा। तो बाबा अपने बापे ने दिखाई थी, मैंने बापे ने दिखाई थी मैंने वीडियो जी। बाबा कहा ये तो ईसर चंद हमारे किलो पड़े करे था। हाँ जी। हाँ मैं एक साल पीता था। बात ऐसी है जी, जमाती तो एक ऐसा जी जैसा अपने तन का भाई है ना, ऐसा जमात वाला लड़का हुआ अपना जी। अच्छा फिर बात ऐसी है जी, ओ जमाना राज वाले जमाने से तो हम बड़ी नफरत था। ओ जमाना तो बड़ा बड़ा अच्छा धर्म का जमाना था। अच्छा हाँ, और सच्चाई का था। अच्छा ये जो आपके परदादा जी थे ना घसीटू नंबरदार जी, ये तो बहुत शरीफ, पहला नंबर सबसे इनका था जी शराफत में गाँव के अंदर घसीटू नंबरदार का। अच्छा आप ही के साथ यहाँ अकीमुद्दीन था एक नंबरदार। अकीमुद्दीन नंबरदार का बेटा जी सरगम नंबरदार। हाँ जी अकीमुद्दीन नंबरदार का बेटा जी सरगम नंबरदार। अच्छा अच्छा जी। अच्छा
हाँ जी वो मैं आप अपना एक वीडियो पैगाम दे दियो, मैं जाकर पापे को दिखाऊंगा, तो नेक्स्ट अगली दफा तेरे साथ बात जरूर होगी इंशाल्लाह ना। अच्छा जी, तो आप जाना वहाँ शहर सुल्तान, कल जाए या परसों जाना, जिस वक्त भी आप जाएंगे ना वहाँ अपने शहर में, जितने भी आपके पड़ोस में है ना, मेरे पिता का नाम था हरकर्ण, मेरे पिता का नाम, वो भी सुर्गवास हो गए, मेरी तरफ से अपने मोहल्ले वालों को सलाम कहना। हाँ जी मैं सलाम दे गुलाम बास नंबरदार के जो लड़का था ना फजलक था उसके लड़के का, फजलक भी महाराज मत फजलक रमजान नंबरदार से कह दियो, फिर जो सीन की जगह थी ना रियास वाली गुलाम बास नंबरदार की, वो मेरे पास है जी। अच्छा, गुलाम बास नंबरदार की जो जगह रियास वाली थी ना वो मेरे पास है जी, मनु सरदारा के पास से 2 लाख रुपये की मोल ली थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो दोबारा मकान बन गए जी, एक दयाल सिंह सरदार है उसके पास आपके मकान। अच्छा, हाँ मकान रहस वाले। अच्छा, ये फजलियक ये जो है ना गुलाम बास का परिवार, ये तीन भाई थे गुलाम बासर, एक लतीफ एक शरीफ, बिल्कुल जी। इनका जितना परिवार था ना, बेली थी बड़ी तकड़ी इनकी, ये गिरगुर की थी, ये फिर 2 लाख रुपए की मैं सफेद जगह ली थी सरदारा के पास थे, उसमें अब मेरी रिहा सब मेरे बच्चे रह रहे इसमें जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ रोना तो अभी है जी, मैं भी रो रहा हूँ, मैं कोई दिल खुशी थोड़ी है। तस्वीर दिखाई है जी, तस्वीर देखी पापे की ना जी। अच्छा, मैं तस्वीर भेजूंगा पापे की, वो देखियो आप। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी होगी, दिखाइयो जी। मैं तस्वीर आपने भेजी थी भी जी, हाँ तो बड़ा अच्छा टाइम था। अच्छा ना जी, ना ये जितनी मीरा जी की जमीन थी ना, 6000 बीघे डेरे का नाम थी ना जमीन। वीडियो पॉज हो गया जनाब, थोड़ा वीडियो ये, हाँ जी आ गई, हाँ ये 6000 बीघे जमीन वो जो गद्दी वाला था उसने अपने नाम करा ली थी, उसके बाद ये सरदारा को लाट होगी। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब तो वहाँ सरदार बैठे हैं जी डेरे में मीरा जी में, ये क्यों जमीन उन्होंने वह लाट होगी वो। अच्छा, अब तो कोई ना वहाँ कुछ आया ना लेना देना, इब तो बब्बे आवा कड़ा हम थे वो लंगर लुंगर लावा वीरवार वाले दिन। अच्छा, मीरा जी में वो अच्छा काम कर रहे हैं कड़ाम वाले। अच्छा, ये जो मीरा जी का लंगर था जी वहाँ चले कर रहा, हाँ तो वहाँ से यहाँ पे मरते मारा बाबा बता रहा कि मारी जमीन के साथ ही लंगर चले गए था मीरा जी का ना, तो सारा इस जो मर पाता संभव संभाल ले ला काम सारा उनका लंगर का। लंगर का जो काम था ना, आपकी जमीन की डौल मिला थी ना डेरे के साथ, आपकी जमीन सारी उनके साथ लगा थी वहीं, तो आपके जो डंगर डूंगर तकरीबन वहीं रहा थे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, आपका जो परदादा साग सीटू नंबरदार है, इसी की मेहरबानी से जब वो जमीन टूटी थी। अच्छा हाँ जी जी,
मतलब बड़ा एहसान किया था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जो तुमने मेरा बाबा देखा? हाँ देखा जी, मनु देखा जी, नंबरदार। हिंदुस्तान में शादियों की थी, गौ साहब लिमा गए थे। हाँ, आपकी एक 8-10 बीघे जमीन स्कूल के साथ थी, गांव का स्कूल जो था ना, वहाँ 8-10 बीघे जमीन थी, उसमें एक छोटी सी कुई थी। कौन करो बाबू? माशाल्लाह जी जी। हेलो। हाँ जी। बस बदकिस्मती थे, बदकिस्मती में मैं इस्लामाबाद बैठा, अगर बाबा हूँ बाबे के साथ बात करवाऊंगा आपकी मैं। चलो चलो, फिर टाइम देगा परमात्मा, फिर कर लेंगे बात, ऐसी क्या बात है। मैं जरूर, हाँ जी, बस अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिए जाके दिखाऊंगा कि तुमने सलाम कह रखा। हाँ, बाबे का नाम लेगा ना। हाँ, तो एक बाबे के साथ बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। हनीफ चीफ है जी, हनीफ, हाँ जी, हनीफ अब्दुल हमीद आशिक, तीन भाई थे। इनके बाप का क्या नाम था? आपका नाम तो नहीं पता है, लेकिन जोनसा ना जी, पूछ कब कहूंगा बाबे थे ये मेरे बाबे। अच्छा, एक और था बाबन, नेक मोहम्मद। और नेक मोहम्मद वो तो आपके मकान के साथ मकान थे, कुंबी था वो तो आपका। हाँ जी, मारा मारा कुंबा था, कुंबा था वो तो। क्या खुश सुन रहे बंदे। हाँ माशाल्लाह जी, पाकिस्तान में तो जी उनका बड़ा कारोबार है, यहाँ कार्टन फैक्ट्रियां, जमींदार। अच्छा जी, हाँ, और बड़ा कारोबार है जी उनका यहाँ। आरती थे ना, यहाँ आरती बन गए थे, आगे हिंदुस्तान से आए थे। अच्छा, हिंदुस्तान से आकर आरत का काम कर लिया था। आरत का बड़ा काम चल रहा है उनका जी, बड़ा काम चल रहा है उनका यहाँ। फोटो भेज तो इतने बेटे ने संभाल रखा। चलो ठीक है जी, सारी उम्र तो रहनी नहीं है किसी। सही बात है, सारी उम्र तो रहनी नहीं है। ये तो जी केशव मुल्तानी साहब का बड़ा शुक्रिया जी, इन्होंने बंदे मिला रहे हैं। हां जी, मैंने देखा, बड़ा खुश होया जी। बड़ा अच्छा काम है जी उनका। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी है परमात्मा की, अच्छा जी काम दिखावा के जी। हां जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो आपने रिकॉर्डिंग में है नंबरदार जी, आपने देखा तो मेरा भी दिल, नंबरदार जी दिल मेरा भी बहुत खुश होया। लेकिन वो पिछली बात तो वो पिछली बातें याद कर रोना भी आवा। बिल्कुल, मेरा बाबा उस दिन बड़ा रोया था। हाँ, क्योंकि हम सब कुछ छोड़े हिंदुस्तान में। हाँ जी, ये बाबे थी, यो वीडियो दिखा दियो राणा साहब। हाँ, जरूर दिखाऊंगा जी। और उसमें अलग से मैसेज नहीं करते, ये पूरा वीडियो अपा अपलोड कर देंगे, वो देख लेंगे अपने जिस दिन। मैं ईब दिखाऊंगा, मैं ईब दिखाने लग रहा। हाँ जी, हाँ जी, मैं तस्वीर भेजी बाबे की ना। हाँ हाँ, इसने अपने बाबे की तस्वीर भेजी है, वो मैं ईब दिखा दूंगा। अच्छा, दो बंदे बैठे हैं राणा साहब, उसमें दो बंदे बैठे हैं, उसमें से कौन से हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ईब दिखाऊंगा। हाँ हाँ, मैं नंबर दे दूंगा, आप चिंता ना करो। आप इनके किसी पोते का ना छोटे नंबर दे दिए, मैं जाकर घर ही जल्दी से अपने बाबे की बात करूंगा इनके साथ। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, जरूर जरूर जरूर। हाँ जी, हाँ जी, अब खुश हो आप? खुशी जी, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा खुश हूं। चलो ठीक है, अल्लाह जो जो आप काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। शुक्रिया जी। जितने बुजुर्ग बच रहे हैं जी, जितने बुजुर्ग बच रहे हैं जी, अब मेरे पापा जी की भी 90+ एज है जी, 95-96 साल एज है उनकी। तो वो भी बड़े याद कर अपने हिंदुस्तान थे, अपने घर थे, गांव थे, जमीना थे, जो वहाँ छोड़ कर आए थे। बिल्कुल जी, हम भी सारे याद करा, और आप खुश हो उससे ज्यादा हम खुश हैं कि चलो हमारी वजह से कोई खुश है। मैं वो भी दिखाऊंगा, मैं वो आपका घर भी दिखाऊंगा, आप चिंता ना करो। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी, शुक्रिया जी। ठीक है, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। सलाम अलैकुम। कर दे राम, कर दे राम राम जी, नंबरदार जी। हाँ लो जी, राणा साहब नाल भी साड़ी गल हो गई है। राणा साहब ने, राणा उमेर यासीन साहब,
इन्होंने मेरे को कहा था कि यार ठसका जाना, तो मैंने कहा यार ठसका जा रहा हूँ तो एक नहीं दो दो लोगों की बात करवा दूंगा, क्योंकि इस सर जनजीव को एहसास भी नहीं था कि इनके वीडियो को वहाँ पे इस तरह से लोग देखेंगे और पुराने लोग मिलेंगे। तो हम आए स्पेशल इसीलिए कि चलो ईसर संजी की बात करवा के आते हैं, ईसर संजी से एक बार मिल के आते हैं। मेहरबानी आपकी। तो बस आज दो परिवार उधर खुश हो गए, एक परिवार इधर खुश हो गया। ठीक है जी, वो भी दिखा देते हैं जिसकी उन्होंने कहा है कि वो घर दिखा दीजिए, घर ज़रूर दिखा देते हैं और वो फ़ोटो भी दिखा देते हैं उनके अब्बा की। शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश है आपकी, आप हमें यूं ही प्यार कर रहे हैं। यो है जी वो जो उसने बताया ना भाई चश्मे वाला, घसीटू वाला, ठीक है, उसका छोरा पाओगा ना। और थोड़ा बड़ा करके दूं तो यो देख लिया? नहीं वो ठीक है, देख लिया, देख लिया, ये है जी। लो जी, ये वो गलियां जहाँ पे ईसर चंद जी हमारे साथ वो घर दिखाने जा रहे हैं, वो दोनों घर हम लोग देख लेते हैं और पूछ लेंगे ईसर चंद जी से कि कौन सा किसका है। गलियों की शक्ल बिल्कुल उन्हीं गलियों की तरह है जैसी आपके यहाँ पे है। देखिए यहाँ हिंदी में कुछ लिखा है और वहाँ पे उर्दू में, मैं देखता हूँ अक्सर कि उर्दू में कुछ लिखा होता है जो हमें समझ नहीं आता और ये आपको समझ में नहीं आएगा। देखो जी, यहाँ पे रस्म रिवाज और रिस्पेक्ट अभी भी कायम है। आपने देखा कि वो एक लेडी जो निकली उसने घूंघट कर लिया। तो ये जो ईसर चंद जी हैं ये इस गांव के बहुत बुजुर्ग अपनी बिरादरी के जाने माने शख्स हैं, सारा गांव इनकी इज्जत करता है। किसकी दिखा रहे हैं? अच्छा, घसीटू जी की। ठीक है जी, ये जिन्होंने अभी अभी बात की थी राणा साहब ने, उनके हवेली हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं। ये बच्चे हैं इस गांव के जो खेल रहे हैं और हमारा गांव है ठसका। हाँ अच्छा जी, लो जी ये है वो जगह जहाँ पे उनका पूरा नाम क्या बताया था, घसीटू। अच्छा, ये है जी वो जगह घसीटू नंबरदार जी की। कुछ पुरानी ईंटें अभी भी लगी हुई हैं लेकिन यहाँ कुछ नई ईंटें आ गई हैं सामने। और ये है वो बना हुआ घर जो कभी आप ही लोगों का हुआ करता था राणा साहब, और इसकी चार दीवारी फिर से छोटी ईंटों वाली, हालांकि बनी शायद बाद में है। और ये है जी पीपल का पेड़। अच्छा, ये पीपल उसी टाइम का खड़ा। अच्छा, ईसर चंद जी बता रहे हैं ये पीपल का जो पेड़ है ये उसी टाइम का खड़ा है। ओहो, इसकी शाखें बता रही हैं, कमाल कमाल कमाल। ये है जनाब अताउल्ला खान साहब का वो घर, उसे नहीं कहूँगा उस जमीन पर बना हुआ नया घर। ठीक है जी, ये उसकी बैक साइड है और फैज मोहम्मद साहब का जो इस ठसका गांव में कभी पढ़ाया करते थे, टीचर थे ना वो। और ये है हमारा वो गांव पूरा, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा भी नहीं।
और ये भी साथ में पूरा लगता हुआ इलाका आप ही का था। ये सारी दुकानें जो इस टाइम आप देख रहे हैं ये सब आप ही की जगह हुआ करती थी उस वक्त। ठीक है जी, ये फैज मोहम्मद साहब की वो जगह है। अच्छा लो जी, ये वो इन लोगों ने अभी ये नया जो घर बनाया है तो ये है। तो उस टाइम दरवाजा कहाँ होया करता? अच्छा अच्छा अच्छा, इसे चंद जी बता रहे हैं कि उस टाइम दरवाजा उस तरफ था और आज की डेट में ये दरवाजा इस तरफ है। ये है इनका वो घर, ये फैज मोहम्मद साहब की वो जगह है जहाँ पे अब नया घर बन चुका है। बच्चे लोग यहाँ पे आज भी पतंगे वतंगे उड़ा रहे हैं। जनाब ये है आपकी वो पुरानी हवेली, पुश्तैनी हवेली। ठीक है जी, और ये जगह भी आप ही लोगों की हुआ करती थी। राणा साहब, ये जो दुकान है जिसका अब शटर डाउन है, जिसके ऊपर जेके सुपर सीमेंट लिखा है हिंदी में, और ये ईसर चंद जी बता रहे हैं कि ये किनकी थी? नाजिर हुसैन। ये नाजिर हुसैन साहब की हुआ करती थी। किस चीज की दुकान थी उस टाइम? कपड़े की। अच्छा जी जनाब, ये उस टाइम जी का साला साला फैज मोहम्मद कपड़े की दुकान हुआ करती थी, जो मास्टर साहब के मतलब फैज मोहम्मद साहब के साला साहब थे उनकी दुकान हुआ करती थी और वो कपड़े की दुकान थी। और अब इसकी चार दीवारी अगर देखें तो सब दुकानें मार्केट छोटी सी बनी हुई है। 70 साल बीत चुके हैं आप लोगों को यहाँ से गए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं नाम आज फिर से गूंजा है इन गलियों में जहाँ पे आपके दादाजी परदादाजी रहा करते थे। लो जी, ये इधर किन का घर है? इधर भी इन्हीं का। अच्छा ये आखिरी ये सारी हवे। अच्छा ये दीवारें में इन्हीं की थी। ठीक है जी, इधर भी रास्ता है इधर का। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ये कल्ले का था। अच्छा, डगरा का भी यही था, रहने का भी यही था। वाह जी वाह, ये है जी बैक साइड से कुछ यूं दिखता है। ये मैं दिखा रहा हूँ, टाइम ज्यादा हो चुका है तो कैमरा नहीं निकाला है, मोबाइल से ही शूट कर रहे हैं। और ये गलियां हैं जी, ये गलियां हैं जी। कहीं कहीं किसी मकानों पर आपको अभी भी छोटी ईंटें दिखाई देंगी। है ओ था जिथे बाबा बिकम शाह जी ने बैठ के तपस्या की है, जिथे बह के उन्होंने रब नू ठसका मीरा जी। ठसका मीरा जी वो जगह है जहाँ पे हमने दो इंटरव्यू किए, और ईसर सन जी का और मानसिंह विर्क का। ईसर सन जी के लिए बड़े सारे कॉल आए थे, और यहाँ आके जब इनसे ये पूछा कि आपने अपना वीडियो देखा, तो हमने इनको वो दिखाया भी जो शायद ये पहले देख चुके होंगे, लेकिन हमने कहा ज़रा हमारे साथ बैठ के देखें। तो और उसके बाद हमने इनकी
बात करवाई उस परिवार से जिसका ये अक्सर जिक्र करते थे, उस वीडियो में भी इन्होंने किया है, अपने दोस्त अताउल्लाह खा, अताउल्लाह साहब तो नहीं रहे, उनके परिवार के लोगों ने वो वीडियो देखा और हमने उनकी बातचीत करवाई। तो कोशिश यही रहती है कि हाँ कोई तो बिछड़ा हुआ दोबारा मिल जाए, कोई बिछड़ा हुआ दोबारा एक बार फिर से एक दूसरे को पहचान लें और वो सारी चीज़ें भुला के फिर से कोशिश की जा रही है। हम जानते हैं कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा रही है। इस कोशिश में हम कहीं ना कहीं शायद 1% कामयाब भी हो रहे हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी शख्सियतें हैं जिनको हम एक दूसरे से मिलवाना चाहते हैं, और उसमें से ईसर सन जी एक हैं जो मिल लिए हैं, जो बातचीत कर चुके हैं। सुकून की नींद तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल में था कि जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, जो मेरे साथ रहा करते थे, वो लोग अब कहाँ होंगे। उनके सवालों के जवाब इन्हें मिल गए हैं, और उन्हें भी जिनसे इन्होंने बात की है। शुक्रिया जी आपका। आप लोग देख के बता देते हैं कि आप हमारे पड़ोसी थे, आप हमारे साथ रहा करते थे। बस इस तरह ही देखते रहिए और बताते रहिए, ठीक है जी। शुक्रिया।